राजनपुर तहसील रुझान में अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात अंदरून में फंसे हुए हैं, जिन सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए मुस्तकिल तौर पर यहाँ खाने का नज़म बनाया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जा रही है कि दोनों टाइम पर खाना उन्हें भेजा जाए। आज 29 अगस्त के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 देगों का इंतज़ाम कर रहे हैं, जहाँ इस तरफ देगे अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, जिसमें कुछ कटे के गोश्त की हैं, कुछ चिकन कौरमे की हैं और कुछ चिकन बिरयानी की हैं। और इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ताज़ी रोटी बन रही है, ताज़ी गर्म रोटी बनती है और साथ ही उसको पैक कर दिया जाता है। तो और ये जो रोटी और ये सालन है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ किश्तियों के ज़रिए से ऐसे मकामात की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर खाना पहुँचाना बज़ाहिर मुश्किल है, इसलिए मकामी जो तंजीमें हैं या जो दीगर NGOs हैं वो उस तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास 3 किश्तियाँ हायर की हुई हैं, मुख्तलिफ अवकात में उनकी तरफ हम खाना भेज रहे हैं। आज 29 अगस्त में अल्हम्दुलिल्लाह 30 देगों का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये हमारे साथी जो हैं ये खाना बना रहे हैं। गुलाम कादर साहब, बताओ बाबा क्यों कम चल रहा है? सही चल रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है सर। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, कितना देगा बंदा के बाद दा कोई दाल कोई चिकन है दा बिरयानी है सर। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा एक सौ के कोई सामान राशन कमी पेशी नहीं कर कोई कमी है इजाफी सामान है इंशाल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अलहमदी गोश्त हो गए, मैारी हर चीज़ मैारी हो एक नंबर है। अच्छा चलो अलहमद कोई शायद कमी कोई नहीं पी जी हाँ, तो सब इतना इंजमेंट वाले काम करो कि भाई बेचारे लोग फंसे हुए ताकि उन्होंने फायदा थी हुए अच्छी चीज़ उन्होंने मिल जाती है। इन शाला शिकायत ना चलो सही बहुत अच्छा।